प्रदेश के रायबरेली में एक युवक को गेहूं चुराने पर ग्रामीणों ने पेड़ से बांध कर बेरहमी से पीटा। इसके बाद उसका वीडियो बनाकर वायरल भी कर दिया। रायबरेली एसपी श्लोक कुमार ने बताया कि पकड़े गए युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गेहूं बरामद कर लिया गया है। उसने 3 बोरी गेहूं चुराया था। इसके अलावा युवक को बांध कर मारपीट करने वाले ग्रामीणों पर भी मामला दर्ज किया गया है। यह घटना बचरावा थाना क्षेत्र के घुरौना गांव की है। ग्रामीणों के अनुसार रविवार तड़के 3 चोर गांव में घुसे थे और 3 बोरी गेहूं चोरी कर भाग रहे थे। उसी समय गांव के कुछ लोग बाहर निकले, उन्होंने देखा तो शोर मचा दिया। बाकी लोग भी आ गए और घेर कर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन 2 चोर भाग निकले। एक चोर को पकड़ लिया गया। ग्रामीण इतने उग्र हो गए कि उसे पेड़ से बांधा और तालिबानी सजा दे डाली। ग्रामीणों ने वीडियो भी बना लिया। इस बीच पुलिस ने आकर बंधक बने चोर को छुड़ाया। उसकी पहचान अमन 28 वर्षीय पुत्र राजेंद्र मौर्य के रूप में हुई है। वहीं उसके 2 साथी कुलदीप और चमनदीप फरार हो गए हैं। ग्रामीणों के अनुसार अमन पेशेवर चोर है। उसकी इसी हरकत से उसके पिता ने घर से निकाल दिया था। अमन ने कुछ दिन पूर्व गांव के एक व्यक्ति के घर से 3 बोरी गेहूं चुरा कर छिपा दिया था। इसकी भनक लगने पर उसके साथ ऐसा सलूक किया गया।